तो गाइस आज आप अपने देख लिया वो थंबनेल पे के न्यू बाइक। जी हाँ गाइस, तो ऑलरेडी अभी तो नहीं लिया है, बट अभी मैं सीधा निकल रहा हूँ शोरूम की तरफ एक न्यू बाइक लेने के लिए। सामने नमाज ग्राउंड और फिर से होटल है और यहाँ पे मिलता है आपको शोरूम जहाँ की अभी हम लोग बाइक अपना पूरा निकलवाए गए। पीछे एटीएम है तो पैसा तो कैश नहीं है, सारा पैसा पड़ा बैंक के अंदर। तो अभी अंदर से पैसे निकालते हैं और सामने शोरूम है जो आप देख पा रहे हो पूरी तरह से। तो अभी ऑलरेडी मैं यहाँ पे तो अकेला आया हूँ, बाकी अपनी जो फैमिली के एक दो बंदे हैं वो अंदर में है। नया बाइक लगे नाम करवा लिया, मैंने बोला भाई तो रुक मैं पैसे लगा रहा हूँ एटीएम से, और भाई ने पूरा पूरा कागज़ वागज बनवा लिए है। तो इतना ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाया। तो बाइक ये अपनी होंडा साइन और अभी जाते हैं डायरेक्ट पेट्रोल पंप की तरफ, सीधा इसका टंकी फुल करवाते हैं। तो पूरा रिव्यू है ना, मैं आपको रूम में जाकर बना सकता हूं। सामने पंप आ गया और यहाँ रोड का सीन है, तो भी इसका टंकी फुल करवाने के लिए आ गए। तो फुल करा दी भाई इसका पूरा रिव्यू हम एक अलग जगह जाकर मैदान में वहाँ पे देंगे, बहुत आसान से है। इसके अंदर आया 11 लीटर तेल और घर पे जाना यार, पहिया धुलाई देनी है, अभी ये खर्चा बहुत है। अभी तो 92,000 था, सुनना तो लग गया 1,000 रुपये तेल के 1100, बाकी अभी खाने का पीने का पहिया धुलाएगा। घर जाके मैं आपको पूरा सीन दिखाऊंगा, तो बस जुड़ते रहिए वीडियो पे। तो गाइस अभी फाइनली आ गए अब अपने घर की ओर, और घर पे अंदर जाने नहीं दे रहे, बोलते पर पैसे दो पहिए धोने का। तो देखते हैं क्या रसम है इनकी, ये नई नई थी, कौन आ रहा पहिए धोने। तो ये है छोटी सी हमारी जगले का, ये नई रसम है, पता नहीं अपने दिमाग से मारे, बट ये पैसे दे भाई, पैसे दो मंडी दो भाई अंदर। चल गाड़ी फाइनली अंदर आ गई है और यहाँ पे एक्टिवा खड़ा अपना। तेरे पापा क्या लाए? मैंने टैक्सी। गाड़ी लाए तेरे पापा? नहीं रुक रही भाई, ये भागी जा रही, इसके पापा गाड़ी लाए, इसको खुशी नहीं है। चला रहा हूँ, ना चला। नहीं? हाँ? कर रहे हो? चले गाइस अभी अपना लोगो इधर लग गई। तो गाइस अभी फाइनली इसके अंदर टैपिंग वगैरह पूरी करवा ली है बाइक की, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी मैंने बाइक ली थी घर पे ला खड़ी करी थी, तो बच्चों ने क्या करा उस पर मार्कर पेन चला दिया टंकी पे। तो गाइस आज इस बाइक का पूरा तीसरा दिन है, तो ऑलरेडी 3 दिन उसको चला फिराने के बाद अब मैं इसका पूरा वीडियो बना रहा हूँ। और गाइस मैं बता दूँ आपको, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, अगर आपको बेस्ट लगे ये बाइक तो आप ले सकते हो, वरना आपको जो बेस्ट लगे आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि इस बाइक के अंदर कुछ अच्छाई है और कुछ बुराई भी है। तो पहले हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर अच्छाई क्या है। ये होंडा साइन मैंने क्यों ली अपने लिए, ठीक गाइस। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो हमने बाइक ली है ऑन रोड, ये हमको पड़ी है 92,330 के रुपये में आसपास में, ऑन रोड कंप्लीट, ठीक है। इस बना लेती हो 4 गियर में, ऑलरेडी ये 5 गियर में दी है, जो कि इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात भी है और बहुत अच्छी बात ख़राब भी है। अच्छा इसलिए है, अगर ये बाइक आप लेके जाते हो हाईवे पे, तो हमें 5वें गियर में एकदम टॉप काम करेगी अच्छे लेवल पे।
बट जैसे कि आप देख पा रहे हो लोकल में गड्ढे वाले रोड पे चलाओगे ऊपर नीचे गैर अल्टा पल्टी में, तो वहाँ के लिए मुझे एकदम पूरी बकवास लगी इस चीज़ में। बट दोनों तरफ के फ़ायदे नुकसान ही है। और गाइस मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बाइक मतलब ली तो मेरे पास तो ऑलरेडी अपने पास एक्टिवा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका रिव्यू सुवेल भाई खुद देवे जिन्होंने ये बाइक ली है। ये आप देख पा रहे हो सामने से, क्या ब्रो? बहुत अच्छा हूँ। मैं चार पाँच जगह गया था तो लोगों ने कहा कि सुपर स्प्लेंडर ले ले, स्प्लेंडर प्लस ले ले, और बाकी वगैरह वगैरह की गाड़ी के नाम बताए, पल्सर 125 बताई, पल्सर 125 ले ले। तो एक्चुअली मेरा मन नहीं माना। एक आदमी था उसने मेरे को बताया कि होंडा साइन ले ले, होंडा साइन ESP में, यानी कि स्मार्ट पावर में। एक्चुअली इसका स्टैंड लगा हुआ है, हाँ जी हाँ। तो जैसे हमने लोग चाबी मारा इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद जैसे हम लोग गियर घेरते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, चल नहीं पाएगी। मतलब इसमें एक्सीडेंट वगैरह होने का खतरा रहता है इस स्टैंड का, इसमें आपको अलर्ट, ये आपको अलर्ट कर देगी कि इसमें स्टैंड लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये 125 में और हैवी गाड़ी है, और ये 5 स्पीड में है। अगर आप इसको रोड पे चलाओगे ना रोड पे, तो 60 के आसपास एवरेज देगी, और चेन्नई में स्मार्ट भी है, इसके बोपर साउंड भी है। और इसकी टैंक की जो है ना पूरे 11 लीटर की है, यानी कि आप 1100 रुपये में, ओनली ऑन 1100 रुपये में इसकी टंकी फुल कर सकते हो। मैंने एक्चुअली फुल किया है, ये रहा। सुवल भाई इसके अंदर और क्या फीचर है, थोड़ा पहले से क्या चेंज किया? इसमें चार पांच खास बातें हैं। ये पावर स्मार्ट है, चाबी लाओगे ये यहीं से स्टार्ट होगी, यहीं से बंद हो जाएगी। ये इंडिकेटर दिए हुए साइड में, आपको पता चल जाएगा कि आपके इंडिकेटर जले हुए। इसमें आने का बहुत खास बात है, और सिटीज़ की बड़ी कर दी गई इस टाइम, और कुछ थोड़ी बहुत इसको हैवी भी कर दिया गया। और इसकी बुराई क्या है? बुराई तो मुझे इसमें कुछ भी नजर नहीं आई, बुराई जब नज़र आएगी अगर मेरा तेल ज़्यादा भी होगी। अभी तो एवरेज भी सही है, अभी लोकल में चला रहे, लोकल के लिए तुम्हें पता है एवरेज कितना मिलता है, 40, 40 या 45 के आसपास आता है। इससे ऊपर तो देगी नहीं। अगर आप इसको हाईवे पर चलाओगे तो 50, 55 या फिर 60 तक पहुँच सकती है। तो नॉर्मली अगर बताया गया कि कंपनी ने नॉर्मली अगर इसमें पंचर हो गया तो ये नॉर्मली 12 या 13 किलोमीटर के आसपास चलेगी। पहिया ट्यूबलेस है दोनों? हाँ दोनों ट्यूबलेस है। इसमें एक डिस्क ब्रेक भी है, वो शायद 1 लाख के आसपास की है। तो मैंने सोचा कि डिस्क ब्रेक में हो रही है, स्मार्ट पावर हो जाती पूरी पूरी। लोकल के लिए, लोकल के लिए क्या, लोकल के लिए तो अपने ये सही है, ये सिंपल है ना, अच्छी है ये, अच्छा है। आप देख पा रहे हो गाड़ी का मतलब लुक, बोले थे एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा है खड़े होने में भी। जो मुझे बेस्ट लगी मैं आपसे, तो ऐसे सही नहीं है ना, बहुत प्यारी है, थोड़ा वीडियो में ये कह रहा हूँ। अच्छा ये अपना लोगो यूट्यूब का। बाकी तो अभी इसके अंदर गाइस ट्रैवल बहुत ज़्यादा हम लोग करने वाले हैं, सिर्फ मुजफ्फरनगर में नहीं, शामली, मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर, बिजनौर और शामली, ऐसे बहुत ही जगह पे हम लोग जाने वाले हैं अभी ट्रैवल करने, मतलब ब्लॉग बनाना स्पेशल स्पेशल। तो बाकी गाइस आप अपनी राय बताना कमेंट में कि ये बाइक के अंदर आपको क्या बेहतर लगा, और गाइस आज आपने ये बाइक ली कि नहीं ली कभी, तो कमेंट करिए जरूर इसके बारे में, कुछ राय आप बताना। तो हम देख पा रहे हैं मतलब बहुत ही प्यार है। तो गाइस बस अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अभी वीडियो को लाइक करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू, लव यू।